हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। और मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे आज मीटिंग करी है। ये बड़ा ही अच्छा लगा यार, इतना कंफर्टेबल है ये, लव इट। और मैं सोच रही थी ये चेयर को मैं डिस्कार्ड कर दूं, बट काफी जा रही है इसके साथ, जगह कम है। सो आई एम गोना थिंक अबाउट इट व्हाट आई एम गोना डू विद दिस चेयर, बिकॉज यहाँ तो डाइनिंग टेबल चेयर्स आ जाएंगे। वेल सी, मे बी मैं सोच रही हूँ अपना सेटअप छोटू सा वहां पे बना लूं ऑफिस का। देखो जितनी स्पेस है उसी के साथ पूरा ऑर्गेनाइज करना है, तो आप बने रहिए कि क्या करते हैं हम। भाई है, कल रात को मैंने पूरी किचन क्लियर करी थी, जो बैक स्प्लैश लगाई थी आपको पता ही है, पूरा गंदा हो गया था घर दोबारा से। और इतनी मेहनत से कल रात को दोस्तों सफाई करी मैंने, 1 बजे सोई। फिशी, ये मिस्टर जी उठ गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये मैडम अफसोस मना रही है अपने 1 बजे सोने का, मैं 5 बजे सोया हूँ। पर मैं फिर जल्दी भी तो उठ गया ना तुझसे। तुझे उठाता कौन है? मैं। That's true. तू अगर ना आए तो मैं तो क्या ही करूंगी। मैं सोच रही थी वहां छोटा सा अपना टेबल लगा दूं। गाइस, एक बिग शाउट आउट देना चाहता हूँ मैं अपनी वाइफ को, जिसने गाड़ी में तेल फुल करवाया। पूरे 1 साल में अगली ने दूसरी बार तेल डलवाया है और पहली बार फुल करवाया। चलो लव यू, चलो चलो निकलो निकलो। बाय, लव यू। मेरी दोनों अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, अब टाइम है रिसाइकल वाली जगह पे जाने का। और मम्मा से कर रहा हूँ फोन पे बात। मम्मा हेलो कह दो। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों मैं आ तो गया हूँ यहाँ पे, अब समझना है कि करना कैसे यहाँ पे, कि इतने सारे कैंस हैं मेरे पास, देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है इनका, आपको समझाता हूँ। सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब खरीदते हैं कोक के कैंस वगैरह, दे कैन अर्न $40-$50 आउट ऑफ दिस, सो वाई नॉट। तो बेसिकली सारा जो अपना अपना स्टफ लेके आते हैं उनको ऐसे सॉर्टेड वे में रखना है, अच्छे से वे में, एंड ऐसे करके जब ये हो जाएगा तो इनको यहाँ पे आके देना होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने इतनी कोक कब पी ली भाई। सो गाइस, ये सब हिसाब हुआ है एंड उसके बाद आई गॉट $11। मुझे लगा था 40-50 कुछ मिलेगा, बट दिस इज द रियलिटी। सो इफ यू हैव यू कैन सेव इट, एंड एक साथ आप आ सकते हो ढेर सारा सामान लेके। जैसे इनको 24 मिल गया, तो यहाँ पे ये सारा यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं और जैसे जैसे देते जा रहे हैं यहाँ पे काउंटिंग होती रहती है। एक्सपीरियंस के लिए मैं आ गया, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था कि पता नहीं क्या होगा, हर कोई मेरे को बोल रहा था भाई ये तो कैंस बहुत ज़्यादा वर्थ इट होते हैं, तो इसके लिए मैं आ गया देखने के लिए, बट फन है। बट एटलीस्ट मैं दोबारा ये बात बोलता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट्स हो सारे और आप कोक वगैरह कंज्यूम करते हो, आपके पास बॉटल्स वगैरह होती है, तो आप फेंकने की जगह अगर आप और इसे डबल ट्रिपल क्वांटिटी में ले आओगे तो $30 भी बन जाएंगे। फेंक तो आप रही हो, स्टोर करके यहाँ पे ले आओ, सो यू विल हैव सम मनी फॉर अ गुड कॉफी आपके लिए और आपके दोस्त के लिए। सो दिस इज समथिंग। अब चलो चेयर्स लेने चलता हूँ। कॉलर धांगनी, कॉलिंग ऑर्ड हैंगनी। हाँ जी मैडम, वर यू एबल टू गो टू द डिपो? नॉट येट। ओके, मैं अकेले नहीं जाना चाहता, मैं सोच रहा तेरे साथ ही जाऊंगा। बट यार 5 बजे बंद हो जाता है वो, तो सैटरडे को चल लेंगे यार, और कितने काम होते हैं। मैं अकेला क्यों जाऊं, घर के काम कर रहे, तू चल साथ मेरे। ठीक है, किडिंग यार, करके आ चुका है तेरा जट। सही में? हाँ, $11 कमाए तेरे जट ने। हाँ बस, मुझे भी लगा था थोड़े ज्यादा मिलेंगे, मैं भी सब्सक्राइबर्स को कह रहा था, मैं गाइस $30-$40 की गेम हो सकती है ये। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। नहीं देख, मैं तेरे को दोबारा बताता हूँ, इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट। हम ये सोचते रहते कितना मिलेगा क्या होता है, क्योंकि सारे हमें बोल रहे थे आप ऐसे रिसाइकल करना वैसे रिसाइकल करना बड़े पैसे मिल जाते हैं, तो वो सब आंसर मिल गया मेरे को। कोई बात नहीं, तू डिप्रेस मत हो, यू आर ऑन कैमरा।
यस, सबने देख लिया कि तेरा डिप्रेशन हो गया, तूने अपनी एफडीए तोड़ दी थी $11 के चक्कर में। किरण ने तो एक तोला सोना बुक करा लिया था, कह रही मैं रिसाइकल डिपो जाऊंगी आपके डाउन पेमेंट दे दूंगी। एक काम कर दो, वैंकूवर में प्लॉट ले लेता रिसाइकल डिपो जाके, है। मुझे भी लगा था बाबू, मैं भी शौक में था। मजाक करो भाई, $35 मिले। ठीक है हाँ, फिर ठीक है, जान में जान आ गई कुकू के कि आधी टैंकी तो फुल करवा लूंगी अब मैं। सुन, झूठ बोल रहा, 11 ही मिले। बढ़िया जगह पे है गाइस, इनका स्टोरेज वगैरह काफी बड़ी जगह पे है। नाइस। किरत होते कहती फूफू फूल देख, तू कलर्स देख। तो मुझे अभी 15 मिनट वेट करना है जब तक वो सामान निकाल रहे हैं, काफी बड़ा वेयर हाउस है इनका। सो सारी चेयर्स आ गई है, दो चेयर ये है, दो चेयर ये है। मुझे लगा नहीं था कि इतने बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे। और घर चलते हैं और फिर जब कीरत आएगी तब अनबॉक्स करूंगा। एंड जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स आई रियलाइज कि मैं इसे ड्राइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतने बड़े बॉक्सेस है कि मेरे को साइड व्यू मिरर से दिख ही नहीं रहा कि साथ से कुछ आ रहा है। एंड मुझे हाईवे पे ड्राइव करनी थी एंड दैट वुड बी रियली डेंजरस। और मैंने डिसाइड किया इस बॉक्स को खोलने का क्योंकि ट्रंक में ऐसे बॉक्स आना नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा बॉक्स था। तो बॉक्स से सारी चेयर्स निकाली। और कनाडा में आप ऐसे कोई कार्डबोर्ड वगैरह या कोई भी बॉक्स ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ के जा सकते थे, तो उसको फोल्ड करके उसको भी गाड़ी में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। और ढंग से सोसाइटी का जो गार्बेज रिसाइकल बॉक्स है उसमें रख के आना था। घर पहुंच गया फाइनली और अब मेरा चेयर बनाने का बड़ा दिल कर रहा है, बट मुझे पता है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब कीरत आएगी ना तो दो लोग मिलकर आराम से कर लेंगे। अभी दिल को कंट्रोल करते हैं, अब काम पे फोकस करते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग गया है। आज आईकिया से नए नाइट्स लेके आए थे, आज टाइम आ गया उनको टेस्ट करने का। काफी शार्प लग रहे हैं, बाकी पता नहीं कैसे है। गाइस काफी तगड़ा नाइफ है ये, मुझे डर था कि मेरी फिंगर ना कट जाए कि ग्रिप ओके ओके है बट ब्लेड काफी शार्प है। नया नया भी ये हो सकता है, आने वाले टाइम में पता लगेगा। मेरा ब्रंच टाइप तैयार है, ब्रेड, ऑमलेट, चीज, पोटैटो, कैरमलाइज्ड अनियंस एंड फ्रेंड्स। गाइस आज ऑफिस में किसी का काम करने का कोई मूड नहीं चल रहा। बाहुबली के ट्रेलर्स देखे जा रहे थे, RRR का ट्रेलर देखा जा रहा था एंड वी वर प्लानिंग अ मूवी नाइट वेरी सून। पर सारे मेरे फ्रेंड्स मतलब कि कलीग्स यहाँ पे कहते ओ बाहुबली लुक्स रियली गुड, वी शुड वॉच इट, सो वी गोना प्लान अ मूवी नाइट इन द ऑफिस वन डे। लेट्स गो होम गाइस। एक हाथ मेरा यहाँ पर है, इधर है दूसरा हाथ जिससे मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड लेने आए हैं और वो गाड़ी चला रहे हैं। एंड हस्बैंड को मैंने ऑप्शन दी कि नहीं, हस्बैंड ने पहले मेरे को ऑप्शन दी कि तू बता मैं तेरे साथ चलूं ऑफिस के बाद। मैंने कहा मैंने कोई ऑप्शन नहीं दी, इसका जाने का दिल था, आई एम बीइंग द नाइस हस्बैंड, तो मैंने कहा चल मैं भी साथ चलता हूं। बट मैंने इसको दो ऑप्शन दी कि अगर मेरे साथ जाएगी तो हम सिर्फ एक आइल पे जाएंगे और वहां से घर आएंगे, और अगर तुझे यू वांट टू ब्राउज अराउंड यू गो अलोन। फिर मैंने सोचा कि क्या करा जाए, सब्सक्राइबर को ज्यादा दिखाएं, विंडो शॉपिंग वगैरह करें और अकेले जाना चाहिए,
या फिर अपने हस्बैंड को साथ लेके जाएं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर लें। सब्सक्राइबर्स के जो कंधों पे तूने रख के बंदूक चलाई है। हम जाएंगे एक आइल पे, ठीक है, बस, और वहां से घर आएंगे। एक ही करेंगे, एक एक एक, दैट्स इट। हम एक प्रोडक्ट के जाएंगे तो छह आइल पे चल ले, आई डोंट माइंड। करेक्ट, बड़ो प्रोडक्ट एक ही होगा, एक ही प्रोडक्ट लेकर आएंगे घर। नहीं, हमारे पास पैसे उतने ही है कि हम एक ही लेके आ सकते हैं, बट हम देखेंगे भी एक ही प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कर्टन्स देखने जा रहे हैं, हम 15 आइल्स जा सकते हैं, बट सिर्फ कर्टन्स वाली, हम रैंडम 15 आइल्स नहीं जाएंगे। गॉटचा। आई डोंट थिंक यू गॉटचा। पहले दूसरी वाली आइस में चले जाएंगे, फिर वहां से हम कॉटन वाली में चले जाएंगे, ठीक है? तू उतर गाड़ी से। सब सुनता है इस लड़के को। बहरा नहीं हूँ। मैं क्यों खुश हूँगा? क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं। मैं ऐसा क्यों करेगा? मेरे को सब समझता है। उसने पलट के डेटी को इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहे। भाई मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना, मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को दो पल की खुशी तो मिलती ना। ये तो अच्छा है, पर अपने दिमाग में आया नहीं था। दिमाग में तो मामा बन सकता था। नेक्स्ट गाना भी मेरा फेवरेट ही है गाइस। मेरे दिल में लर नी तू लोड वाली है, दिल तेरा जद छुट्टू गा तो। गाइस गेस व्हाट, जुगाड़ कर लिया। होल्डर क्रॉप था फिर भी जुगाड़ कर लिया। डू यू सी माय हैंड डूइंग दिस दिस? नो, जुगाड़ कर लिया। लेट्स गो फूफी, आराम से चला रहा, पिक अप आराम से। जुगाड़ नहीं का किया। तेरी खता भी है क्या? मन भरता ही नहीं है तुम्हारा। नैना का कलर सूट नहीं चलना है। नैना का कलर सूट नहीं देखना। फिश फिश देख ले, रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनी। दोस्तों मुझे काफी काफी अच्छा अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। फूफी मुझे, फूफी मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा लिख रहा है। रियल वुड लेदर लिखा हुआ है उन्होंने, ये WFL फर्नीचर लिक्विडेशन। हाउ कैन वी मिस दैट वन फूफी? दिस इज रियली रियली क्यूट। हां दिस इज क्यूट बाबू। ये देख चेयर सिर्फ $71 की। नाइस, हाँ चल ठीक था, गुड था। $150 का पूरा सेट बन गया। अरे देख तू, अरे और वो देखियो वो वाला ये थोड़ा महंगे में आ गया, बट दिस इज प्रीटी नाइस है। दिस इज रियली नाइस, मुझे ये भी अच्छा लगा। हाँ, ये टेबल कितना क्यूट है। टेबल इज वेरी क्लासी, बट जैसे तो हाँ टेबल इज वेरी सेक्सी, बट जैसे पुराना पुराना पसंद आता है ना। हाँ, इंडिया वाला मुझे अच्छा लगा ये। वो देख इसमें, ओ ये ले ले पिपी, तूने ये नहीं देखा? ये भी देखा। दिस इज रियली नाइस। चलो चलो चलो, अबे उसके लिए बुक्स होनी चाहिए यार, तू चल आ जा। क्यों नहीं है भाई, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास नोट्स है, इतने एंडलेस। काफी अच्छा स्टोर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हम पहली बार आए हैं JYS के? मैं तो बहुत बार आई हूँ। JYS के या JSY के? JYS के। नाइस यार, हाय, काफी अच्छा सामान लग रहा है। कुशन्स वगैरह देख, देखना वो जो वहां लगे हुए हैं ऊपर, क्योंकि हमारा थीम सारा ग्रे एंड व्हाइट है ना। वन पीस फॉर $29। मुझे वो भी अच्छा लग रहा है, वो जो वो ग्रे नहीं है ऊपर, लाइट है बाबू, ब्लैकआउट नहीं है ये, हमें ब्लैकआउट चाहिए। तो फिर ब्लैकआउट देखना। सारी लुक दे रहा है। हाँ, आई लाइक इट, मी लाइक ही। 59 का ये महंगा वाला है। टोटल डार्क ले लें अगर करेक्टर देना है। ये अच्छा लगेगा क्योंकि हर जगह व्हाइट व्हाइट है ना।
और व्हाट अबाउट ग्रीन? ग्रीन कुछ है ही नहीं बाबू। सब कुछ देखने के बाद हमने डिसाइड किया हम ये ब्लैक वाला ले रहे हैं। बहुत सोच समझ के कुकु ने मास्टर प्लानिंग की है। मैं सोचती हूं दोनों एक बार लेते हैं, दोनों लगा के देख लेते हैं, रिटर्न पॉलिसी बढ़िया है। हां तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सबको डिसाइड करने का। कुकू फिर पलट गई है। आपको तो पता ही है दोस्तों, पता है जो लगा के हमें पता चलेगा ना। ठीक है, हैप्पी। सो गाइस यहाँ पे डिफरेंट रॉड्स हैं, आपको दिखा देते हैं। साइज एडजस्ट हो जाता है, इट्स 168 टू 300 है ना। हाँ, तो अगर जैसे आपको, आप हमारे जैसे आप घर से नाप लेके नहीं आए कि कितना बड़ा, आपको आइडिया तो है, इतना तो है ही है और इससे बड़ा होगा। हाँ, so this is as of now is 168 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ, ये द स्मॉलेस्ट है। इससे कैप निकलेगा और ये बड़ी हो जाएगी 300 तक, सो दिस विल गो डबल द साइज। सो ऐसे ही सारी रॉड्स एडजस्ट है, हमने भी बुला के किसी से कंफर्म किया। गाइस दे हैव ह्यूज रेंज ऑफ मिरर्स एज वेल। This is really cute and petite for our patio too. But Mr. Sharma कह रहे हैं हमारा red वाला जो है अभी current वाला that is really nice. कुकू अगर तुम मुझे कभी याद रखियो कि अगर तुम मुझे gift करना चाहे तो बुढ़ापे में मुझे एक मसल कार चाहिएगी ब्लैक कलर की। Okay. जो जैसे सुपर नेचुरल डीन के पास है। तेरे बोलने से पहले मैंने बोल दिया खड़खड़ जब मैं चलाऊं और तो ऐसे कोई सेल्फी सी खींचे और तभी स्टार्ट होएगा। बस ठीक है, गच्चा बाबू गच्चा। जब तो ऐसी बातें करते हैं कोई सेल्फी खींचे तभी स्टार्ट हो, दिल जीत लेती कुड़ी। आ गया डीक्यू गाइस, डीक्यू। बहुत दिनों से शेक पीने का दिल था, आज पियेंगे डीक्यू। सो फियांशु को ऐसी खटखट वाली गाड़ी चाहिए, ब्लैक कलर में, बट और कुंडी भी ऐसी खोलनी है मुझे। ठीक है जी, कहाँ आ गया अचानक से गाड़ियों के बीच में, ये कौन सी जगह है? ये कार वॉश है, आगे चल आगे चल। कार वॉश तो नहीं लग रहा है, लोग ड्रायर वगैरह कर रहे हैं। ड्रायर कह रही हूँ, वैक्यूम वगैरह कर रहे हैं। मस्त रहा है, मेरे को ऐसी सी ले दियो। ठीक है, वो छोड़कर कर ये ले लेंगे पोर्शे। पोर्शे हॉटनेस देख तू, हॉटनेस। आई विल टेक अ वैनिला मीडियम शेक। गाइस जब उन्होंने कभी बहुत सेक्सी गाड़ी ले ली ना, बहुत सेक्सी, तो हम ये वाला गाना सुनेंगे। सबसे पहले जो गाना प्ले होगा वो ये होगा। आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि कौन सा गाना होगा पहला जो सुनेंगे। जब काफी सेक्सी गाड़ी ले लेनी हमने, टेस्ला नहीं, सेक्सी गाड़ी। Tesla is a smart car. It's not a sexy car. Yes. Oh ho, happy kid. दुनिया में best चीज है आइसक्रीम शेक्स। Guys, यहाँ पे हमने फोटो शूट किया था, अब सारे चले गए, फ्लावर्स नीचे आ गए, देखो खाली हो गए, ऊपर नीचे आ गए सारे, थोड़ी देर के लिए रहते हैं बस, चेरी ब्लॉसम, so sad. हम आए हैं मामू के पास। And ये देखो क्या बात है, क्या बात है, फ्रेश स्प्रिंगल्स। बोरा खुश खुश इधर दे, हेलो खुशी, खुशू जाना कीर्तना, गुगली जाना कीर्तना, चलिए। गाइस अभी ये भौंक रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं, ये बोल रहे मत जाओ। I'm not going. पापा नहीं जा रहे, मैं नहीं जा रहा। Don't worry. I'm not going. Don't worry. आप बैठ जाओ इसके साथ। वो गुस्सा कर रहा था। गाइस अचानक से प्लान बन गया है और हम जा रहे हैं रग लेने, वही रग जो आपने थोड़े व्लॉग्स में पहले मेरे को सर मारते हुए देखा था। पता क्या यार, एक तो वो प्राइस रीजनेबल, ऊपर से क्वालिटी इतनी अच्छी। मैंने बाकी जगह देखा, विनर्स में देखा पतले पतले से रग, आईकिया देखा पतले पतले से रग, जेवाएसके में भी ज्यादा कोई खास नहीं, जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं वो महंगे हैं, और हमने ज्यादा पैसे पटने नहीं है। मामू के पास ड्रिल देखने आए थे, उनकी ड्रिल उनके पास है नहीं, सो वो कहते हैं कि बच्चों हुन तुसी अपना घर ले लिया है, ड्रिल दी लोड पैंदी रहंदी है, अपनी ड्रिल जाके ले लो। मैं कहूं ओके, दोबारा करिए एक्टिंग, बड़ी क्यूट थी। मामू ने कहा बच्चों तुसी अपना घर ले लिया है, ड्रिल दी लोड पैंदी रहंदी है, ड्रिल जाके कैनेडियन टायर तो ले आओ। सो हम कॉस्को के बाद शायद कैनेडियन टायर भी ले। अब मुझे लग रहा है आज बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव डे नहीं है फीफी। टच वुड, तू तो बहन सो जाती है रात भर, मैं लगा रहा था एडिटिंग पे। दैट्स टू बैड, बड़ा तरस आंदा देते, 5 बजे तक बैठा रहंदा बेचारा कॉस्को। इतने दिनों में इतनी बार कौन आता है कॉस्को। आज हमने ये वाली ट्रॉली ली है गाइस, ऑब्वियसली बिकॉज़ उसमें नहीं आ सकता रंग, इस पे आएगा।
और मैं इस ट्रॉली को लेके नहीं जा रहा, ट्रॉली मुझे लेके। It's difficult to ride this one. किसी किधर जा रहा है? उधर है रग्स। भाई ये लिटरली ही इज नॉट एबल टू राइड दिस। आरिशन किसे है ना? हमारे ड्राइवर थोड़े से ऐसे से ही हैं। ड्राइवर साहब क्या हो रहा है आपसे? मेरे से ही कुछ नहीं हो रहा है गाइस, ऐसा नहीं कि जोर लगाना पड़ रहा है, मुझे आउट ऑफ कंट्रोल है ये। अच्छा अभी बहुत क्यूट सब्सक्राइबर से मिले हम एंड शी इज सो स्वीट। थैंक यू सो मच गाइस वीडियोस देखने के लिए, प्यार देने के लिए। थैंक यू। मुश्किल है ना ये? दिस इज डिफिकल्ट राइट? गाइस सारे मुझे तंग कर रहे हैं कि हम सबसे हो रहा है, मैं बता रहा हूँ इसको पुश करना मुश्किल नहीं है, इसको संभालना मुश्किल है। किरण लेफ्ट राइट करियो, लेफ्ट राइट करियो, ये हाँ अब जब जैसे इधर जा रही है ना इसको अब उधर करना मुश्किल है। ये देख, ये दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सी अब समझ में आया? हाँ इसको पुश करना मुश्किल है, दिस इज वेरी स्मूथ बट टू स्टेयर इट इन अ राइट डायरेक्शन दैट्स डिफिकल्ट। सी कुकू पकड़, इसको कैनेडियन टायर भी जाना है। हाँ लेफ्ट राइट बैक रिवर्स लास्ट स्टॉप कैनेडियन टायर। पिंक टिप्स गाइस सो क्यूट। फिश कुकू वांट्स इट। देखो यहाँ पे ये सारी ड्रिल्स हैं। मम्मा को कॉल कर दे और बता दे जितनी कुर्सी ठीक करानी आ रहा लौंडा। मैं कह रहा हूँ दो चार डाइनिंग टेबल तोड़ दो। कितना खुश है आज लड़का, आज लड़के थोड़ा सी फील आ रही है तेरे को मर्द वाली। AK-47 ले लिए। इधर बहसबाजी की सड़क में मैंने। सो चेयर्स आ गई हैं, ये रही और रग भी आ गया है। अब आपको सारा यहाँ पे सेटल करके दिखाएंगे। और फियांशु इज सो क्यूट, खाना बचा हुआ था तो उसने रैप करके रखा है। एंड चेक आउट द पिंक स्काई, इतना सुंदर लग रहा है। सो स्टीम अप सारा कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू डू सम सेटिंग। Rug is set. Now it's time for chairs, guys. Chairs ko bhi assemble karna hai. जितना मैं कीरत को जानता हूँ वो सड़ी बैठी है अंदर कि मैंने उसे पहले चेयर बना लिया। ऑनेस्टली वो इतनी कंपेटिटिव है, वो इतनी कंपेटिटिव है। वो सड़ी बैठी है दोस्तों, मैं इसको हैंडीमैन कहता हूँ, असली हैंडीमैन कुकू है। आई लव टू डू दिस, आई डोंट बट आई एम क्विकर देन हर। हेलो एक बात बता, तेरी चेयर के लिफाफे किसने उतारे? उसकी वजह से मेरी स्पीड कम हुई है। ये इतनी चिड़ंचू बनती है ना, इतनी चिड़ंचू। ये चिड़ंचू का मतलब होता है जो लोग चिड़ते बहुत ज्यादा है हार के। ये देखो। अच्छा बता, मैं दूसरी चेयर बना ली, गुजरे में जाऊं? गो। पक्का जाऊं? करूंगा अपना काम, मुझे अपना भी काम करना है। तूने ये ऐसे ही आया ना? हाँ ये ठीक कर रही है, पहले ये वाला जाएगा फिर बीच वाला फिर ऊपर सबसे वाले। ये ला मुझे भी दे, मैं भी टाइट कर दूँ फटाफट। तू दूसरी चेयर डब्बे से निकाल दे। गाइस इतना चिढ़ गई है ना ये, इतना चिढ़ गई। तू जीती है, मैंने कुछ नहीं किया। पीछे मैं नहीं जीती। मैं नहीं जीती। कुंदक में कर रही है गाइस पूरा। एक लुक दे जो दे रही थी अभी, ये देखो क्यूट, आई लव यू। ऐसे पति से कौन सी हार कुकू? नहीं हारा मैं, सिर्फ गुस्से में क्यों हो रही है? मैं हारा ही नहीं विशी। फिर गुस्से में क्यों आ रही है? मैं गुस्से में भी नहीं हूँ।
अंदर। मैं समझाऊं? कुकु तो इतने कितने क्यों तो हैं? फिश। क्या फिश? ये हार की ब्लश क्यों दे रही है? कुकु अगर आराम से प्यार से जाएगा, प्यार से। भाई तूने कहीं और तो नहीं छेद कर दिया? लग रहा है कुकु जट, तेरे को पता है ना फिर। गुस्से में मत आ बहन, मुझे करने दे, हट पकड़ इसको। दोस्तों दो चेयर्स लग गई हैं, ओए होए होए, लव इट। टाइम टू असेंबल दीज टू नाउ। सो गाइस, जब यहाँ पे असेंबल करना होता है ना, तो ये साथ में सारा स्क्रूज वगैरह देते हैं। And you don't need any extra tool to assemble the chairs. So they give you the manual as well. सारा ऐसे बताया हुआ है कि कैसे करनी है, कि पहले ये legs लो, ऐसे बीच में fit करो, फिर कौन से screws जाएंगे ये भी बताया हुआ है। All you need are these screws. दोस्तों, आर यू रेडी टू सी द मैजिक? हेलो गाइस, फाइनली इतनी मेहनत के बाद थोड़ी सेटिंग हुई है, सफाई हुई है, और हमारा लिविंग रूम काइंड ऑफ कंप्लीट लग रहा है। बड़ा रग आ गया है, अब हम छोटी सी रग के साथ काम नहीं चला रहे अब एनीमोर। डाइनिंग टेबल आ गया है और कर्टन्स, अभी हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। So we might change the curtains. ये पुराने वाला था? ये पुराने वाला है, हमने सिर्फ सैंपल के लिए इसको रख लिया है यहाँ पे। Yeah, और ये नए वाले दो हैं, ब्लैक। आई डोंट थिंक सो वी गोना पिक इट, प्रोबेबली द सेंटर वन, बट इन सब पे टेक्सचर है, अब दिखेगा आपको, सेल्फ प्रिंट सा इसमें। बट एनी हाउ, अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो कुकु जागेगी, छुटमुट एडिशंस होंगी। वॉल्स आर एम्प्टी, वी गॉट टू फिल द वॉल्स। यस, कुछ सोचा हुआ हमने। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, बिना मत जाना। यस, और कमेंट भी जरूर करना कि आपको हमारा न्यू सेटअप कैसा लगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सो थोड़ी बहुत और आगे पीछे वीडियोस देख लेना। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।